नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने जो विवादित बयान दिया था उसे चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन माना है। आयोग ने भार्गव को हिदायत दी है कि वो भविष्य में इस तरह की बयानबाजी न करें। गोपाल भार्गव पर सख्त चुनाव आयोग। ये हमारे महान भाई हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं और काम की जान भूलिया पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। पाकिस्तान वाले बयान पर जताई नाराजगी। गोपाल भार्गव को ईसी की चेतावनी। झाबुआ उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सियासत भी तेज होती जा रही है। अपने बयानों से विवाद खड़ा करने वाले गोपाल भार्गव के लिए मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही हैं। झाबुआ में एक रैली के दौरान दिए गए बयान पर गोपाल भार्गव को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने गोपाल भार्गव को चेतावनी दी है कि वो ऐसा बयान दोबारा ना दें जैसा उन्होंने 30 सितंबर को एक चुनावी जनसभा में दिया था। अब आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा था। ये किसी दो पार्टी का चुनाव नहीं बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में चुनाव है। ये हमारे महान भाई हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं और कांतिलाल भूरिया पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसी समर्थन ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पाकिस्तान को प्रोत्साहन देती है। और इसलिए मित्रों आज मैं कहना चाहता हूँ, आप हाथ उठा के बताइए आप हिंदुस्तान के साथ हैं पाकिस्तान के साथ हैं। आप हाथ उठा के बताइए हम हिंदुस्तान के साथ हैं सभी। विरोधियों को पाकिस्तान करार देने के बाद गोपाल भार्गव ने 15 अक्टूबर को फिर से एक विवादित बयान देते हुए कांग्रेस सरकार गिराने की बात तक कह डाली। ये जो वक्त आ गया है कि हम भानुभूरिया जी के लिए जिताए लेको बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आज चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन सारे नौजवान एक बार हाथ उठा के बताएं, क्या है आप शिवराज जी को जो आप सबके मामा हैं क्या आप दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? तो मैं आपसे वादा करता हूं कि दिवाली के बाद उनकी शपथ हो जाएगी बशर्ते आप भानुभूरिया जी को ज्यादा से ज्यादा। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव अपने बयानों से खुद को मुश्किल में डालते ही हैं, साथ में पार्टी के लिए भी समस्या खड़ी कर देते हैं। अब चुनाव आयोग की चेतावनी का भार्गव पर कितना असर होता है ये तो वक्त ही बताएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।